नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की सही और सटीक जानकारी हमेशा सबसे पहले दी जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आंधी तूफान बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। बदलने वाला है मौसम का मिजाज, कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश की आशंका। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से देश भर में लगातार भीषण गर्मी का कहर जारी था, लेकिन अब गर्मी से राहत मिली है और देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना भारतीय मौसम विभाग ने जारी की है। अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, झारखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण कोंकण और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। उत्तर और पंजाब के कुछ हिस्सों और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथा झारखंड, बिहार और ओडिशा में कुछ स्थानों पर 3 जून को तेज़ आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा और तेज़ आंधी के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में अगले कुछ ही घंटों में काली पीली आंधी के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ आंधी तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण, गोवा, केरल में भी तेज़ आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। 8 जून तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल में बारिश का दौर जारी रह सकता है। तो ये अभी तक की ताज़ा बुलेटिन है, लाइक और शेयर कर दें।